एवरीवन, ज्योति के किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और गाजर भी लाल लाल आ चुकी हैं, तो चलिए बनाते हैं फिर आज गाजर का हलवा जो सबको पसंद आता है सर्दियों में। गाइस, ये 1 किलो गाजर थी, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इतना सा थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे गाजर को भूनने के लिए। अब हम गाजर डाल देंगे इसमें। हमने गाजर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट ऐसे ही घी में भून लेंगे अच्छी तरह, और फिर इसमें हम एक ग्लास दूध डालेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं गाइस, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह भून भी चुकी है। इसको हमने अच्छी तरह भून भी लिया है घी में। अब हम इसमें दूध डालेंगे, 1 ग्लास हम इसमें दूध डालेंगे। ये 1 किलो गाजर थी इसलिए हमने 1 ग्लास इसमें दूध डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे दूध में। आधा कप और डाल देंगे हम दूध, 1.5 कप हमने मिलाकर इसमें 1 किलो गाजर में दूध डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। गाइस, 15 मिनट हो गए हैं हमें दूध डाले। अब हम देखते हैं, देखिए दूध बिल्कुल गाजरों में एब्जॉर्ब हो चुका है, सूख गया है, देखिए। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। गाइस, आधा बाउल हम इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि गाजर भी बहुत मीठी होती हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि शुगर मेल्ट हो जाए। ओके गाइस, ये मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है गाजर के हलवे में डालने के लिए, थोड़े से पिस्ता, खरबूजे के बीज, थोड़ी सी किशमिश और काजू, आप अपनी मनपसंद का ले सकते हो। अब हम इसको काट लेंगे। ओके गाइस, अब हम इसमें, ओके गाइस, ये मावा है, ये मैंने घर में ही निकाला था और इसको भी हम गाजर के हलवे में डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। ओके गाइस, अब हम इसको ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ओके गाइस, थोड़ा सा देसी घी हम और डाल देंगे इसमें और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ी शाइनिंग शाइनिंग और अच्छा अच्छा कलर आ जाएगा इसमें, इसलिए हमने पहले थोड़ा कम ही डाला था देसी घी। ओके गाइस, गाजर का हलवा बनकर रेडी है, देखिए देखिए। अब हम इसको सर्व करके दिखा। ओके गाइस, गाजर का हलवा हमने सर्व कर लिया है, ऊपर से हम पिस्ता से इसको गार्निश करेंगे और काजू से। ओके गाइस, देखिए गाजर का हलवा कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। ओके गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय माता दी।